हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले नथिंग फोन 2A की कंपैरिजन की। देखो 2500 रुपए की रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन है, फीचर तो हर कोई बता देता, पर मैंने कहा चलो कुछ नया लाते हैं। देखो रेडमी से रियलमी से जितने भी स्मार्टफोन इसकी रेंज में है, मैं उसको एक शॉर्ट कंपेरिजन करके तगड़ा सा बताऊंगा, मतलब फीचर के साथ सब कुछ बता दूंगा आज। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए, चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यार जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, थोड़ा ना एक्चुअली अचानक से प्लान बना मेरे वीडियो बनाने का। मैंने देखा कि काफी मतलब कंफ्यूजिंग हो चुकी है 2500 रुपए की कैटेगरी, तो मैंने कहा फटाफट यार इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। नथिंग फोन 2A भी कवर नहीं किया मैंने, मैं उसको भी कवर कर लूंगा और एक आपको रेंज भी बता दूं 2500 रुपए की रेंज में कौन सा बेस्ट रहेगा। बस आपको देखो चालू करते हैं नथिंग फोन 2A से। तो नथिंग फोन 2A के देखो मैं इतनी बार स्पेक्स बता चुका हूं, 6.7 इंच का आपको मिलेगा इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा आपको इसके अंदर, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। देखो 6.78 इंच और 120 हर्ट्ज तो हर स्मार्टफोन दे रहा है 2500 रुपए की रेंज में, जो है रियलमी भी देता है रेडमी भी देता है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं करी इन्होंने, तो गोरिल्ला ग्लास 5 है वो भी सब दे देते हैं इस प्राइस रेंज में, तो ये तो नॉर्मल हो गया स्पेक्स। बाकी अगर बात करते हैं स्पेक्स की, अगर अगले स्पेक्स की तरफ जाते हैं तो कैमरे की करते हैं। कैमरा देखो 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं, इन्होंने कैमरे की गेम नहीं खेली, क्वालिटी मैंने देखा काफी अच्छी निकाल रहा है 2500 रुपए की रेंज के साथ, क्वालिटी काफी अच्छी नहीं। OIS मिलता है आपको Gen 1 और GN मिलता है 9 करके कुछ है, इसके अंदर दो सेंसर दे रहे हैं कैमरे के। बाकी अगर Realme 12 Pro से कंपेयर करें तो 12 Pro में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 32 मेगापिक्सल का तीन कैमरे मिलेंगे। देखो कैमरे का कुछ भी अगर मैं मेगापिक्सल गलत बोल दूं तो नीचे लिख के दे दूंगा आपको, कुछ आप ऐसे कमेंट मत करना ये गलत फीचर बताता है। तो ये मिलता है आपको Realme में। तो देखो यार Realme तीन कैमरे प्रोवाइड कराती है, Redmi भी अपना 200 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कराती है इस रेंज में, तो 200 मेगापिक्सल बहुत ज्यादा होता है गाइस, पर यार क्वालिटी नहीं आएगी 200 मेगापिक्सल में क्योंकि प्रोसेसर वीक है उनका। उसमें देखो Xiaomi में मिलेगा स्नैपड्रैगन S7S Gen 2 ऐसा कोई प्रोसेसर है, 7S Gen 2 यार नाम इतना कंफ्यूजन हो गया प्रोसेसर का। और इसके अंदर देखो यार नथिंग फोन 2 में आपको मिलता है Dimensity 7200 Pro, तो यार क्वालिटी तो अच्छी आएगी ना कैमरे से, अगर प्रोसेसर अच्छा है, ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है ये नथिंग वालों ने निकाला, जो अच्छा लगा मेरे को यार इस प्रोसेसर के साथ इस रेंज में, और काफी तगड़ा कर देता स्मार्टफोन। और ये स्नैपड्रैगन देते हैं, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर रहते तो और भी अच्छा होता, पर था इन्होंने दिया है 7200 Pro, तो देखो इसमें कैमरा भी कवर हो गया प्रोसेसर भी कवर हो गया एक ही पार्ट में मेरा। तो यार देखो यार प्रोसेसर वाइज भी मुझे अच्छा लगा, कैमरा भी सही है क्योंकि 50 मेगापिक्सल की कैमरा परफेक्ट रहते हैं, कोई कैमरे की गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, 200 मेगापिक्सल ले दो 108 तो मेरे को लगता है कैमरा परफेक्ट है। और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी भी सही दी है लोगों ने रियलमी के मुकाबले में, रियलमी 16 मेगापिक्सल की देता है और रेडमी भी 16 मेगापिक्सल की। देखो इन्होंने मेगापिक्सल गेम यहाँ खेली है पर क्वालिटी अच्छी आएगी क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, हर वीडियो में ये कहता हूँ कि प्रोसेसर अच्छा है, थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर का अच्छा है, नथिंग की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है फोटोज में, तो मेरे को लगता है कि फोटोज अच्छी आएगी। और लास्ट हमारा जो फीचर निकल के आता है वो है 5000mAh की बैटरी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है नथिंग फोन 2। चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, ये बहुत माइनस पॉइंट होता है नथिंग का, क्योंकि देखो चार्जर बहुत जरूरी है 2500 रुपए की रेंज में, जो भी स्मार्टफोन है सब चार्जर दे रहे हैं, कोई 65 वॉट दे रहा है, कोई 40 वॉट के 50 वॉट, मतलब अलग अलग वॉट के चार्जर मिलते हैं पर बॉक्स में मिलते हैं नथिंग के। एक ये डाउन पॉइंट मेरे को ये लगता है कि चार्जर नहीं प्रोवाइड कराता अपने बॉक्स में, तो ये नेगेटिव पॉइंट है नथिंग का। बाकी यार मेरे को फोन सही लगा, लुक वही यार वही जो फाइनल हो गया है लुक, जो गंदा सा कह रहा था मैं टाइम से, पर ठीक है हाथों में पकड़ के मतलब सही लगा मेरे, जितने भी लुक्स देखे तो सही लग रहे थे वहां पे, पर मेरे को एक यूनिक लुक है देखा जाए तो। देखो यार जो रियलमी है रेडमी है उनका एक ही लुक है, बीच में कैमरा और नीचे एक ऐसे लाइन से दे देते हैं, लाइन को कभी इधर उधर कर लेते हैं, कैमरे को इधर उधर कर लेते हैं, पर नथिंग ने एक ही अपनी मोनोपोली रखी हुई है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन। बस एक सस्ता मतलब बजट का फोन था तो इन्होंने मिड डिजाइन दिया पर ट्रांसपेरेंट में, तो अच्छा लग रहा है तीन गिल्स के साथ, और आप 2500 रुपए की रेंज में अगर ये लोगे तो थोड़ा प्रीमियम लगेगा हाथ में पकड़ के, तो फोन मेरे हिसाब से परफेक्ट है नथिंग फोन 2A इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी यार 23,999 रुपीज इसकी प्राइस है, कार्ड डिस्काउंट के साथ और सस्ता हो सकता है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, 3 साल और 4 साल के आपको सिक्योरिटी पैच ऐसे अपडेट मिलेगा आपको, मैं नीचे लिख के देता हूँ, अपडेट भी काफी मतलब सही दे रहे हैं नथिंग वाले, तो मेरे को लगता है नथिंग फोन 2A विनर है आज का, क्योंकि एक यूनिक डिजाइन सबसे पहला पॉइंट में लिखते तो आपको बता देता हूँ, यूनिक डिजाइन है, प्रोसेसर अच्छा है, कैमरे की फालतू गेम नहीं खेली, दो कैमरे में ही अपनी अपनी माइजेशन दे रखी है, दो कैमरे में अपनी माइजेशन दे रखी नथिंग ने, ऊपर से डिस्प्ले तो सबके सेम है और वो भी बैटरी भी, तो मुझे कुछ अलग नहीं लगता। बस अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें नथिंग फोन 2 की, देखो एक तो यार कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता, ऊपर से बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, इतने मतलब दुख की बात है यार चार्जर बॉक्स में नहीं मिल रहा, और बाकी तो मुझे कुछ अलग लगा नहीं नथिंग फोन 2 में। अगर आपको ये फोन लेना तो फ्लिपकार्ट सब जाके ले सकते हैं, रणवीर सिंह ऐड कर रहे हैं इसकी, आप फ्लिपकार्ट में जाके लीजिए फोन, मेरे हिसाब से अच्छा है नथिंग की तरफ से एक नई अप्रोच है। बाकी देखते हैं नथिंग की प्रीमियमनेस कितनी टाइम रहेगी, नथिंग ने अपना बजट में उतार दिया एक फोन,
अब देखते हैं वन प्लस क्या निकालता है इसके कंपटीशन में, क्योंकि दोनों फोन काफी कंपटीशन में रहते हैं, तो मेरे को देखते हैं क्या निकालता है। बाकी रियलमी रेडमी मतलब नथिंग फोन तो अच्छा निकाल चुका, तो उसको ट्राई कीजिए आप जाके। आप क्योंकि भाई हिमांशु भाई अच्छी चीज बता दी तुमने तो यार फोन में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी नथिंग अच्छा है मेरे हिसाब से, डिजाइन मेरे को वही मेरे को देख से ही बताओ डिजाइन नहीं पसंद आ रहा, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा। बट अगर अनबॉक्सिंग चाहिए तो आप 100 कमेंट करो नीचे, मैं अनबॉक्सिंग भी लिया होगा। अब टोटल 100 कमेंट हो गए ना नीचे गाइस, मैं अनबॉक्सिंग लिया होगा आपके लिए बढ़िया सी बना के। तो बाकी आप हमें सब्सक्राइब बटन दबाओ, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।